हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के यूनिट 5 के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के पब्लिक क्लाउड के बारे में। अब हम इस वीडियो में दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का ही, जो कि है हमारा प्राइवेट क्लाउड। अब आप ये समझ चुके हैं कि पब्लिक क्लाउड आपको क्या क्या ऑफर करता है, किस प्रकार के एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं और किस प्रकार के लिमिटेशंस हैं। सो जो कंपनीज कॉस्ट एफिशिएंसी देख रहे हैं और चाहते हैं कि उनका डेटा या उनके जो रिसोर्सेस हैं उनका कंट्रोल बहुत अच्छा हो उनके ऊपर, तो उसके लिए वो यहाँ पर प्रिफर करते हैं प्राइवेट क्लाउड के लिए। इट मींस दैट इट विल बी इंटीग्रेटेड विथ योर डेटा सेंटर एंड मैनेज्ड बाय योर आईटी टीम। आपका जो इनका जो डेटा सेंटर रहेगा उसको मैनेज आपकी आईटी टीम भी कर सकती है जहां पर आपका डेटा स्टोर है। Alternately, you can also choose to host this externally. So the private cloud offers bigger opportunities that help specific organization requirements when it comes to customization. हमें अगर customized way में हमारा data store करना है, हमारा services हमें customized way में चाहिए, हमें public services का हमको कुछ services नहीं चाहिए हैं, कुछ चाहिए हैं, तो उस case में हम यहाँ पे private cloud prefer कर सकते हैं। इसके कारण हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं वो भी फुलफिल यहाँ पर हो पाती हैं। सो इसी कारण यहाँ पर जो हमारा जो चॉइस रहती है वो पब्लिक क्लाउड से हटकर थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो चॉइसेस हैं, हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, नेसेसिटीज हैं, वो फ्रिक्वेंटली यहाँ पर चेंज हो रही हैं, तो उस केस में हम प्राइवेट क्लाउड की तरफ भी जा सकते हैं। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं जिसमें आपके पास ओनर डेटा सेंटर, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सेंटर है जहां पर उसके डेटा बेस, लीगल सिस्टम्स, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सभी कनेक्टेड है। इसके अलावा यूजर्स हु कैन एक्सेस द क्लाउड फ्रॉम विद इन द पैरामीटर, जिस जो हमारा डेटा सेंटर है उसका एक हमने सर्टन रेंज डिस्कस कर रखा है, वहां पर बता रखा है, तो इसके अनुसार यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राइवेट क्लाउड का एक डायग्राम, जिसमें अगर पब्लिक यूजर कोशिश करता है तो उस केस में वो उसे डिनाई भी कर सकते हैं, एक्सेस उसका ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हो गए प्राइवेट क्लाउड के। सबसे पहला बेनिफिट है हमारा डेटा प्राइवेसी का, यही चीज वहां पर हमारे पब्लिक क्लाउड में थी एक लिमिटेशन। सो डेटा प्राइवेसी यहाँ पर हमारा एक बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है। इट इज आइडियल फॉर द स्टोरिंग कॉर्पोरेट डेटा वेयर ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल कैन गेट एक्सेस। यहाँ पर एक एडवांटेज इस चीज का है कि हमारे डेटा को प्राइवेसी मिलती है, जिसके कारण जो हमारा कॉर्पोरेट डेटा है जिसको हमने कहीं स्टोर कर रखा है उसे सिर्फ ऑथराइज्ड बंदा ही एक्सेस कर सकता है, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके अलावा बेनिफिट हमारे सिक्योरिटी मेजर्स पर भी आता है। सेगमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प विद बेटर एक्सेस एंड हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी हो पाती है एज पर पब्लिक एरिया, और इनके पास सिक्योरिटी के हायर लेवल्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा सपोर्ट लीगल लेगेसी सिस्टम्स, यहाँ पर जो हमारा मॉडल है इट सपोर्ट्स लेगेसी सिस्टम, दैट मींस दैट इट कैन नॉट एक्सेस बाय द पब्लिक क्लाउड। यहाँ पे पब्लिक क्लाउड के द्वारा प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस नहीं करा जा सकता है। अभी इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, दैट मींस डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज होता है हायर कॉस्ट, क्योंकि आपको डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, आपके अनुसार आपके कस्टमाइज्ड वे में आपको दे रहा है। कस्टमाइज्ड मतलब हो गया कौन सी हमको सर्विसेज चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, तो कस्टमाइज्ड वे में आपको ये दे रहा है, इस कारण यहाँ पर इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। इट हैव हायर कॉस्ट, हमारी जो पब्लिक क्लाउड होती है उससे तो डेफिनेटली हाईएस्ट क्लाउड यहाँ पर प्राइवेट क्लाउड की कॉस्ट रहती है। नेक्स्ट फिक्स्ड स्केलेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर जो हम चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो भी वर्क होता है वो चल रहा होता है, इसलिए यहाँ पर स्केलेबिलिटी हमारी जो हमारा जो फिक्स्ड स्केलेबिलिटी एक लिमिटेशन के रूप में दिखाई देता है। हाई मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, इसी कारण यहाँ पर हमारी जो सबसे पहला मैंने लिमिटेशन बताया कि कॉस्ट बढ़ रही है, वो सिर्फ डेटा प्राइवेसी के कारण ही नहीं बढ़ती है, ना ही सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से, सिर्फ ये डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी मेजर्स, मेंटेनेंस सभी का पार्ट होता है ये। सो ये थे हमारे लिमिटेशंस प्राइवेट क्लाउड के। यहाँ पर हमने डिस्कस करा हमारा जो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है उसका सेकेंड टाइप, प्राइवेट क्लाउड।